नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम नदौल पंचायत में हैं, यहाँ के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी हम जाने हैं कि इनके पंचायत में क्या कुछ अच्छा काम हुआ है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। आप क्या कहेंगे, दीपावली का मौका है और छठ का मौका है, इस बीच क्या कहेंगे आप हमारे चैनल की तरफ से? आपको चैनल की तरफ से मतलब कि हम लोग का बहुत अच्छी शुक्रिया है और अच्छा ही है जो आप लोग आए हैं, और जो कुछ भी है जो तो ठीक है, अभी चल रहा है। लगभग आपका 12 से 14 महीने का मुखिया कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कैसे देखते हैं इस 12 महीने में क्या क्या किए हैं आप? 12 महीना में हम लोग बैरमचक में पासवान टोला में पेवर ब्लॉक भी लगाए हैं, और 55 पर में भी हम पेवर ब्लॉक लगाए हैं। एक क्या बोलता है पंचायत समिति जो हुए उनको जगह पर भी लगाए हैं, और नदौल में भी लगाए हैं, कई एक जगह है जीवन चक में भी लगाए हैं, मतलब अभी तक 6 जगह हम लगाए हैं। और जो बैरमचक हरजन टोला हो गया, उधर से इधर मेन आपको नली के लिए हम लोग निर्माण कर रहे हैं, छठ दिवाली बाद उसमें काम लग जाएगा। अभी सिर्फ आपका जीते हुए मात्र 12 से 14 महीने का एक समय हुआ है, उस बीच जाते हैं जनता के बीच, तो पूर्व के मुकाबले क्या क्या समस्या सुनने को मिलता है जनता से? समस्या सुनने को मिलता है कि जनता लोग कहते हैं कि मेरे के यहाँ नल जल जो चालू हुआ, नल जल अभी चल नहीं रहा है। कहूँ कहते हैं आपका मटौढ़ा 7 नंबर वार्ड में टंकी फटा हुआ है, उन लोग का पानी का बहुत परेशानी हो रही है, और उन लोग मतलब कि STSC हैं, उन लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गरीब लोग हैं। नल जल योजना मुख्यमंत्री का एक अहम योजना है और लोगों तक नल जल नहीं पहुंच रहे थे, इसकी आपने लिखित शिकायत कभी की है? हाँ, बाढ़ लोग किए हैं, बाढ़ लोग किए हैं, ये बात नहीं है कि बाढ़ लोग किए हैं हम लोग के पास। मैं ही कहें कि फिर वहाँ भी से क्या मिला नहीं मिला सो बता नहीं सकते हैं। अभी जो अभी मान के चलिए 4 साल का आपका कार्यकाल बचा हुआ है, किस तरह से आप पूरा कीजिएगा? हम अपना मतलब कि सोचे हुए हैं कि जो कुछ भी हो, जितना भी सरकार फंड देगा वो हम काम कराएंगे। कैसे, किस तरह से, एक दो काम बताइए जिससे आप जनता को खुश कर सके और अगला टर्म में आपको फिर से जनता चुने। नली गली है, रोड है, ओ क्या बोलता है, फिर आपका मनरेगा से है, जल संरक्षण से है, ये सब जो आ रहा है फंड वो काम तो कराना ही है। ये थे नदौल पंचायत के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के हित में जो भी काम रहेगा, सरकार से जो भी फंड हमें आएगा, वो सारे सुविधा को मुहैया कराएंगे और जनता को एक उत्कर्ष पंचायत बनाकर देंगे। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, बिहार लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।